गाड़ी है ये निशान सफीरो। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे पास गाड़ी है ये निशान सफीरो। इसका मसला ये आ रहा है, जब हम इसको एसी ऑन करते हैं ना, टेम्परेचर जाता है ना 18 से 20 पे, तो हीटर ऑन हो जाता है, तो गर्म हवा आना शुरू हो जाती है। अब इसका मसला चेक करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। इसका जो आउटसाइड टेम्परेचर है ना, वो भी ये माइनस के अंदर आ रहा है जी। गाड़ी चेक करेंगे तो फिर पता लगेगा क्या मसला, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। निशान सफीरो, इसका ये टेम्परेचर जो चलता था, अब 25 पे टेम्परेचर है, कूलिंग सही कर रहा है गाड़ी। जो इसका आउटर टेम्परेचर 39 आ रहा था और -30 आ रहा था, वो भी 39 आ गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर हो गई हुई है। ये 30 पे 29 पे चला गया, यहाँ पे भी कूलिंग कर रहा है। इससे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर आना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे हीटर चल गया, नीचे कूलिंग ज़बरदस्त कर रहा है, 28-29 तक ना कूलिंग कर रहा है। पहले ये सिर्फ 20 से ऊपर जाते थे तो हीटर चलना शुरू हो जाती थी, कोड कोई भी नहीं जाता था स्कैनर पे। सफीरो इसका आउटर टेम्परेचर ये लगा हुआ है, इसके अंदर आएगा एक तार के अंदर अर्थ, ये अर्थ आ रहा है एक तार के अंदर। दूसरी अब तार मीटर के साथ हम चेक करेंगे वैल्यू अर्थ लगा, ये अर्थ है एक तार, और दूसरी ये वाली तार ना, इसको वैल्यू देना चाहिए, ये देख रहे वैल्यू नहीं आ रही। अब इसको चेक करते हैं, फॉल्ट इसका निकला है, ये वैल्यू आ गई है, देख रहे एक तार इसकी अर्थ है, दूसरी ये वैल्यू दे रही है, इसका मतलब ये सर्किट तक आगे तक पहुंच रही है। इसका मसला था ये जोड़ लगे हुए थे, ये जोड़ सही नहीं थे जी, किए सही तो गाड़ी क्लियर हो गई है।